जी, लेट्स बिगिन आवर सेशन. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज पैनल डेटा एनालिसिस. ठीक है, इससे पहले कि हमारे जो दो सेशंस थे उसमें हमने टाइम सीरीज डेटा को जो है वो डिस्कस किया है. ठीक है, टाइम सीरीज डेटा के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, उनका जो एनालिसिस है उसको जो है हमने डिस्कस किया है. और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो है पैनल डेटा एनालिसिस. ठीक है, now if you recall our discussion of the difference between the time series data and the panel data analysis, तो panel data जो है वो एक ऐसा data होता है कि जो same entities के बारे में हम gather करते हैं, लेकिन जो data gather करते हैं वो different time frames पर करते हैं. तो for example, अगर हमारे पास 5 countries का जो है वो GDP का data है, ठीक है, तो एक पैनल डेटा का मतलब जो है वो ये होगा कि हमारे पास इन 5 countries का डेटा जो है वो मल्टीपल ईयर्स का होगा. सो मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका की हम बात करते हैं, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा पैनल डेटा है, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, श्रीलंका का जो GDP की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो कई साल की है. मिसाल के तौर पर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 एंड सो ऑन. ओके, सो after discussing the time series models, it's time to move towards the analysis of the panel data models. Okay, ab I hope ki ye screen jo hai ye sab aap sab logon ko jo hai wo visible hogi. Theek hai, chapter number 11, panel data analysis. Theek hai, so if we start with this chapter, okay, so sabse pehle jo ye jo chapter baat kar raha hai, theek hai, ये पैनल डेटा की उसी डेफिनेशन की बात कर रहा है कि जो कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है. ठीक है, द चैप्टर सेज दिस चैप्टर डिस्कसेस पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल्स यूजिंग द सेम ग्रुप ऑफ एंटिटीज लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स, स्टेट्स, कंट्रीज ओवर टाइम. ठीक है, तो ये वही बात है, वही डेफिनेशन है कि जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट thing we are going to discuss, वो क्या है कि जब हम पैनल डेटा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एंड रिमेंबर दैट वी हैव टू अदर टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड प्योर टाइम सीरीज डेटा. ठीक है, सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैनल डेटा इन आवर एनालिसिस. ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज एडवांटेजेस वन बाय वन. नंबर वन, since panel data deals with individuals, firms, states, countries and so on over time, there is bound to be heterogeneity in these units which may be often unobservable. The panel data estimation techniques can take such heterogeneity into account by allowing for subject specific variables. The term subject includes micro units such as individual, firms or states. तो एक important advantage panel data को इस्तेमाल करने का जो है वो ये होता है कि हमने जिन entities के बारे में data इकट्ठा किया है over time, ठीक है, वो entities जो है वो same है. तो for example, जब हम analysis करते हैं, तो analysis करते हुए जो है वो हम इस heterogeneity से जो है वो हम help ले सकते हैं. जब हम specific variables को analyze करने के लिए जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर होना है निकाह के जनाब के, अगर हम ये समझना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल, फर्म्स और स्टेट्स का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें डिफरेंस जो है वो क्या है, ठीक है, तो वो हमारे लिए काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह जो है वो ये कि हमने सेम एंटिटीज के बारे में जो है वो डेटा इकट्ठा किया हुआ ओवर टाइम. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ये टाइम सीरीज होती, प्योर टाइम सीरीज होती, तो प्योर टाइम सीरीज में हमको पता है कि हमने जो डेटा इकट्ठा किया हुआ होता है, डेटा जो है वो डिफरेंट एंटिटीज के बारे में इकट्ठा किया हुआ होता है ओवर द टाइम. ठीक है, so this heterogeneity can actually help us to better understand or better analyze the subject specific variables. Second advantage kya hai jana, by combining time series of cross sectional observations, panel data gives more informative data, more variability, less collinearity among variables, more degrees of freedoms and more efficiency. theek hai, अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि क्योंकि पैनल डेटा में हमारे पास एंटिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, एंटिटीज़ का जो डेटा होता है, ठीक है,
वो ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड जब हम इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि अब हमारे पास जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में ज़्यादा डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और किसी भी स्टैटिस्टिकल मॉडल में अगर आपके पास जितना ज़्यादा डेटा मौजूद है, इसका मतलब जो है वो ये है कि आपके जो रिजल्ट हैं वो उतने ही ज़्यादा क्रेडिबल होते हैं, उतने ही ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जितना जो है वो ज़्यादा डेटा आपके पास जो है वो मौजूद होगा, इसका मतलब जो है वो ये है कि, और ख़ास तौर से उस वक्त के जब आपके पास जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो एंटिटीज़ जो हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है, और उनके बारे में जो है वो आप ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आपके जो रिजल्ट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो स्पेसिफिक वेरिएबल वाइज रिजल्ट्स की हम बात करें, ठीक है, तो उन रिजल्ट्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं होगी, ठीक है। देन देर इज़ गोइंग टू बी लेस कोलिनियरिटी अमंग वेरिएबल्स, ठीक है। रिमेंबर कोलिनियरिटी का मतलब जो था वो क्या था, कोलिनियरिटी का मतलब जो था वो ये था कि आपके जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो आपस में कोरिलेटेड हो, ठीक है। सो इन द केस ऑफ पैनल डेटा, सिंस वी आर गोइंग टू हैव मोर डेटा अबाउट डिफरेंट एंटिटीज एंड वी आर नॉट गोइंग टू हैव वेरियस एंटिटीज, ओके, सो दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू हैव less collinearity among different independent variables, ठीक है। There are going to be more degrees of freedom. More degrees of freedom basically means that there will be more data, ठीक है, and more efficiency, ठीक है। जितना ज़्यादा जो है वो डेटा आपके पास जो है वो होता है, आपके पास जो रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, और आपका जो एनालिसिस होता है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। थर्ड बेसिकली द एडवांटेज ऑफ द पैनल डेटा इज By studying the repeated cross-sections of observations, panel data are better suited to study the dynamics of change. For example, unemployment, job turnover, duration of unemployment, and labor mobility are better studied with panel data. अच्छा, अब ये जिन variables की इसने बात की है, मिसाल के तौर पर unemployment की इसने बात की है, job turnover की बात की, duration of unemployment की बात की, labor mobility की बात की, ठीक है, तो नेचुरली जब हम इन फिनोमेनास को या इन वेरिएबल्स को हम एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश जो है वो ये होती है कि मिसाल तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं जॉब टर्नओवर की या हम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, सो डेफिनेटली हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी में होगा। मिसाल के तौर पर जो है वो अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट को एनालाइज करने के लिए जा रहा हूँ, तो रादर देन एनालाइजिंग अ टाइम सीरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कि जिसमें जो है वो फॉर एग्जांपल 150 कंट्रीज़ जो हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है उठाऊं और उस टाइम सीरीज़ को जो है एनालाइज करूं, मेरी कोशिश जो है वही होगी कि मैं एक पैनल डेटा को इस्तेमाल करूं। मिसाल के तौर पर जो है वो ऐसा पैनल डेटा है जिसमें रेलेवेंट कंट्रीज़ के जिनको मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो शामिल हों, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ द पैनल डेटा, दैट मीन्स दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ चेंज दैट इज अकरिंग in the dependent variable, okay. The fourth advantage of the panel data is that panel data can better detect and measure effects that cannot be observed in pure cross-sectional or time series data. For example, the effects of minimum wage laws on employment and earnings can be better studied if we follow successive waves on increase in federal and upon our state minimum wages, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल, जैसे हमने पहले जो है बात की थी रिग्रेशन की बात की थी, कोजेशन की बात की थी, कोलेशन की बात की थी, ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो कोजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि हमारे पास जो वेरिएबल की वैल्यूज अवेलेबल हों वो सेम एंटिटी के लिए हों जो कि ओवर द टाइम हमने कलेक्ट की है, ठीक है। एक प्योर टाइम सीरीज जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी वेरिएबल मतलब एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो कॉजेशन है, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा क्लियरली जो है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। फिफ्थ एडवांटेज ऑफ द पैनल डेटा इज Phenomena such as economies of scale and technological change can be better studied by panel data than by pure cross-sectional or pure time series data, ठीक है। Similarly, अगर आप ये जानना चाहते हैं मिसाल के तौर पर
कि टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन की वजह से आपकी इकोनॉमी में जो है वो क्या चेंज आ रहा है। तो वंस अगेन इकोनॉमी जो स्केल की बात करें या टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात करें, ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी इकोनॉमी में कोई चेंज आ रहा है, इसका मतलब जो है वो ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ कॉजिंग चेंज इन योर इकोनॉमी। ठीक है, वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेशन। सो इन दैट केस वी विल नीड द डेटा ओवर टाइम अबाउट द सेम एंटिटी, अदरवाइज वी मे नॉट बी एबल टू एस्टेब्लिश दिस कॉजेशन रिलेशनशिप। ठीक है जी, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द पैनल डेटा इन अवर एनालिसिस, इन अवर मॉडल। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स टू एनालाइज द पैनल डेटा। ओके जी, देयर आर वेरियस टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें जो पेज नंबर 238 मैंने आपके सामने जो है ओपन किया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जो है वो इंडिविजुअल टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, ये जो है ये हम पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टाइम सीरीज एनालिसिस को हम डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम ये इंडिविजुअल टाइम सीरीज फंक्शन या इंडिविजुअल टाइम सीरीज एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल फंक्शन या क्रॉस सेक्शनल डेटा का जो एनालिसिस था, जो हमने रिग्रेशन रन किया था, वो उसको हमने जो सिंपल रिग्रेशन जब हमने डिस्कस की थी, ठीक है, ये हमने उसको वहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, कि सिंपल जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है उसको जो है वो हम रिग्रेशन एनालिसिस किस तरह करते हैं। ठीक है, आज जो हम टेक्निक परफॉर्म करेंगे पैनल डेटा के जो है वो मल्टीपल एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर यू कैन परफॉर्म द पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन। व्हाट इज पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन? वी कैन पूल ऑल ऑब्जर्वेशंस, टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल एंड एस्टिमेट अ ग्रैंड फंक्शन निगलेक्टिंग द डुअल नेचर ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा। बट सच अ पोलिंग एज्यूम्स दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ द फंक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस टाइम एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, द पोल्ड ओएलएस एस्टिमेशन इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट मॉडल फॉर विच वी आर एज्यूमिंग दैट कोफिशिएंट्स अक्रॉस टाइम एंड क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। ठीक है, ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है, बहरहाल कहने का मतलब जो है वो ये है कि पोल्ड ओएलएस का मतलब जो है वो ये है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं जनाब के हम जो कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन जो एस्टिमेट करेंगे फॉर अवर पैनल डेटा, these coefficients are going to be same, ठीक है, across the cross section, across the cross section मतलब जो है वो ये कि across the entities and across time का मतलब जो है ये across time series, okay? इसके बाद ये जो चौथा और पांचवा analysis है, ठीक है, fixed effects least square dummy variable LSDB model, और इसके बाद ये पांचवा model है the random effects model। ठीक है, this is beyond the scope of our discussion, it is not included in our course outline, so we shall discuss only the pooled ols regression। theek hai janab, acha ab baat hum kar lete hain panel data ko analyze karne ki, ki hum jo panel data hai, theek hai, uska analysis jo hai wo usko karne ke liye sabse pehla step jo hai wo kya hota hai, theek hai, so remember ye jo मैंने डिफरेंट मॉडल्स आपके पीछे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तीन मॉडल्स हैं, पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन, एलएसडीबी मॉडल एंड द रैंडम इफेक्ट मॉडल, और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन में। ये जो एलएसडीबी मॉडल है और ये जो रैंडम इफेक्ट मॉडल है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बिगिन करें, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, ठीक है, रिमेंबर कि जो पैनल डेटा है, पैनल डेटा भी एक तरह की टाइम सीरीज ही है, ठीक है, लेकिन ऐसी टाइम सीरीज है कि जिसमें एंटिटीज हैं वो सेम है लेकिन टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो पहली चीज़ जो हमें एग्जामिन करनी है व्हेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग अवर पैनल डेटा वो क्या है? नंबर वन, आर पैनल डेटा वेरिएबल्स स्टेशनरी? नंबर टू, आर पैनल डेटा वेरिएबल्स को इंटीग्रेटेड? ठीक है, ओके, तो जनाब अब इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहला काम जो है वो ये करना पड़ेगा कि हमें हमारे पास जो पैनल डेटा मौजूद है, ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने जो है वो इससे पहले एक लेक्चर में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था कि हम जो है वो अपना जो डेटा होता है, ठीक है, डेटा को जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जो हमें एडवांटेज मिलता है वो ये मिलता है कि
कि हमारा जो डेटा है, हमारा डेटा जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट ना करें तो कुछ वैल्यूज जो है वो हमारे डेटा में बहुत हाई होती हैं और कुछ जो है वो बहुत लो होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है जब उसका हम एनालिसिस रन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स हमारे पास कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है। सो इफ यू हैव सच अ डेटा देन इट इज बेटर दैट दिस डेटा इज कन्वर्टेड इनटू अ लॉगरिथमिक फॉर्मेट बिफोर एनालिसिस, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको जो है वो स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। और ये चैप्टर में जो है वो आप देख सकते हैं कि स्टेप्स जो है वो किस तरह परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट रिजल्ट्स, उन रिजल्ट्स में जो है वो हमें क्या चीज़ देखनी होती है, उन रिजल्ट्स को हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना होता है, जब हम इस चीज़ को देख लेंगे, देन आई शैल मूव ऑन टू द ईव्यूज सॉफ्टवेयर एंड आई शैल यूज द एग्जाम्पल डेटा of this particular chapter and I will show you different steps myself ki ji kis tarah se jo hai wo ye steps aap perform karenge chapter mein bhi explain kiye hue but still I will perform these steps in eviews so that you can have a recording of these steps and you can consult this recording to perform these steps yourself again okay so the pehla step kya hai janab pehla step hai janab ki humne लॉगरिथमिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमने डेटा को, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल डेटा है, एग्जाम्पल डेटा में हमारे पास जो है वो दो वेरिएबल्स के बारे में डेटा मौजूद है। पहला जो है वो है जनाब आपके पास जीडीपी, ठीक है, और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो टू क्विक जनरेट सीरीज एंड राइट एल जी डी पी इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट ओपन जी डी पी ब्रैकेट क्लोज एंड देन क्लिक ओके। सिमिलरली इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द जी ई एक्स सीरीज वी शैल गो टू क्विक देन वी शैल सेलेक्ट द ऑप्शन जनरेट सीरीज एंड देन इन द बॉक्स वी विल राइट एल जी ई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट ओपन जी ई एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड देन वी शैल क्लिक ओके, ठीक है। Now don't worry about this natural logarithmic of the conversion. Okay, we shall only perform the logarithmic conversion. Okay, that is मैं भी इस चीज के difference में नहीं जाना चाहता, जाना कि log क्या होता है और ln या natural log जो है वो क्या होता है, ठीक है। Just remember that we are going to convert them into logarithmic format as I have explained to you. Now, moving forward, जब हम इसको logarithmic format में जो है वो अपने डेटा को कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारे पास वो ये होता है कि हमने अपने ये जो दोनों जो सीरीज हमने कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, इसका जो है वो हम एक प्लॉट जनरेट करेंगे, ठीक है। ये कोई नया स्टेप जो है वो नहीं है, ये जो प्रीवियस जो हमने टाइम सीरीज एनालिसिस हमने रन किए थे, ठीक है, उसमें हम ये तमाम के तमाम स्टेप्स परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। सो जस्ट दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लेन these steps or I'm going to repeat these steps, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लॉट जनरेट करेंगे और प्लॉट जनरेट करके जो है वो हमें आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी जो सीरीज है, ठीक है, ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा जो है उसके जो वेरिएबल्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब आप रिमेंबर दिस इज दी इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्टेशनरिटी, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है जना वो क्या होता है, सेकेंड स्टेप में वी रन द यूनिट रूट टेस्ट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश दैट आवर डेटा इज स्टेशनरी और नॉट, ठीक है। तो इफ यू लुक एट द पेज दैट इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, फिगर 11.1 प्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ द सीरीज इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एल जी डी पी पैनल डेटा इज स्टेशनरी वी नीड टू रन अ यूनिट रूट टेस्ट एज फॉलोज। व्हाट यू विल नीड टू डू, यू विल ओपन अप द एल जी डी पी डेटा, then from the view you will choose unit root test and then you will click okay. acha ab jab aap okay pe click karenge to of course you will see some results, okay. ye results jo hain wo kahan dikhaye gaye hain, figure 11.2 mein, okay. figure 11.2 ka hai janab, ye rahe janab aapki figure 11.2, theek hai. ye unit root test ke results hain ki jo ke aapne apne logarithmic jdp पैनल डेटा के ऊपर जो है आपने रन किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे या इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। सो वी गो हियर, ओके। सो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है,
जिसको हम कहते हैं एच नॉट, वो ये जनाब कि द पैनल डेटा ऑफ एल जी डी पी हैज़ अ यूनिट रूट, ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको हम एच वन कहते हैं वो क्या है जनाब, द पैनल डेटा एल जी डी पी इज स्टेशनरी, ठीक है। तो हम हमारे पास जो यूनिट ट्रूथ टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए हमने देखना है कि जनाब कि हम कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, या ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा जो पैनल डेटा है, ठीक है, वो स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। अल्फा या आप कह लें जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, वो क्या जनाब 5%। सो अकॉर्डिंग टू फिगर 11.2 द फोर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आर इक्विवेलेंट टू -1.67631, 3.64252, 24.5320 एंड 35.846, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं जनाब कि ये कहाँ कहाँ से इसने जो उठाई है, ठीक है। ये जनाब आप देख सकते हैं कि ये इसने ये जो डिफरेंट टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उनकी स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपको बता रहा है, ठीक है। ये जो लिविन लेन एंड चू है, ठीक है, आई एम पियर्सन एंड शिन डब्ल्यू टेस्ट है, ए डी एफ ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, ठीक है, इसके बाद पी पी फिशर का स्क्वायर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट रूट टेस्ट है, ठीक है, जो उसने जो है यहाँ पे परफॉर्म किए हैं, और ये इनकी स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहा है। और इसके बाद जो है वो इसके बाद जो है ये आगे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज है हर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की, ठीक है, और इस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जो है सिग्निफिकेंट है या नहीं, ठीक है। सो गोइंग बैक द पी वैल्यूज ऑफ दीज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आर 0.0468, 0.9999, 0.9553 एंड 0.5694, ठीक है। द फर्स्ट पी वैल्यू दैट इज 0.0468 इज स्मॉलर देन 0.05, बट द रेस्ट आर बिगर और लार्जर देन 0.05, ठीक है। एज द मेजॉरिटी ऑफ द पी वैल्यूज आर बिगर देन और लार्जर देन 0.05, दैट मीन्स वी कैन नॉट रिजेक्ट एच नॉट, दैट मीन्स द test is not significant. So when the test is not significant, it means that the panel data of LGDP has a unit root, okay, and that means the LGDP panel data is not stationary, okay ji. ये जो इंटरप्रेशन है, kindly you remember this interpretation, how do we interpret it, ठीक है, watch this recording over and over again so that you clearly understand how do we perform the test and how do we interpret the result, because if you do not interpret these results properly, we cannot move correctly to the next steps of our analysis. अच्छा जी, moving forward, इसके बाद जब भी जो हमने स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, यही स्टेप्स जो है वो हमने परफॉर्म किए हैं करने हैं एल जी ई एक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पैरल डेटा के ऊपर, ठीक है। सो इफ यू लुक एट योर स्क्रीन द फिगर 11, वंस अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ओपन द एल जी ई एक्स पैरल डेटा, ठीक है, एंड देन वी शैल ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ दिस एल जी ई एक्स पैरल डेटा, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ फिगर 11.3 पे जो है शो हुआ है। सो फिगर 11.3 शोज द ग्राफ ऑफ द एलजीईएक्स, द डेटा सीम्स टू बी स्टेशनरी एज द लाइन ऑफ द सीरीज हैज क्रॉस्ड द जीरो लाइन मेनी टाइम्स, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जो है वो अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इस ग्राफ को अगर आप देखें, ठीक है, तो ग्राफ में जो है वो जीरो लाइन से जो है वो कई दफा जो है वो हमारी लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसके इसका मतलब जो है वो एक इंडिकेशन है कि ये जो डेटा जो है हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। हाउएवर इन ऑर्डर टू मेक श्योर द एल जी ई एक्स पैनल डेटा इज स्टेशनरी और नॉट, वी नीड टू रन अ यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। यूनिट रूट टेस्ट तो हमको रन करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ ग्राफ को देख के हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि हमारे पास जो डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। तो वंस अगेन उसी तरीके से कि जैसे हमने पहले यूनिट रूट टेस्ट रन किया था,
we will run the unit test. Okay, how? We will open the LGEX data. From the view, we will choose unit root test and then we will click OK. Okay, when we will click OK, we will see the output as shown and figure 11.4. ठीक है अच्छा अब ये वही स्टेटिस्टिक्स आ गई उसी तरह की स्टेटिस्टिक्स आ गई कि जो कि हमारे पास एलजीडीपी डेटा के यूनिट टू टेस्ट में आई थी ठीक है लेकिन ऑफ कोर्स अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जनाब के यहाँ पर जो है वो जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आई हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं ठीक है उनकी पी वैल्यूज़ के जो कि प्रॉब स्टेरिक स्टेरिक कॉलम में होती हैं वो पी वैल्यूज़ क्या हैं और उसकी बेसिस पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि जनाब majority of the unit root test statistics are significant or not so that we can conclude whether our data is stationary or not theek hai okay to ji test kya hai hamara jo null hypothesis hai jisko hum h not kehte hain wo hai the panel data of LGEX has a unit root theek hai aur jo alternative data hai ab hamare paas hypothesis hai wo hai The panel data of LGEX is stationary. ठीक है Alpha और P value that we are counting is 5% or 0.05. अच्छा अब figure 11.4 हमारे सामने मौजूद है इसमें हमारे पास different statistics मौजूद हैं ठीक है तो अब इसको हम interpret करते हैं According to figure 11.4, the four test statistics are equivalent to minus 0.33934 ये लेवन लेन एंड चू टेस्ट स्टेटिस्टिक है जो कि आपके सामने यहाँ फिगर 11.4 में सबसे टॉप पर गिवन है ठीक है 4.86434 दिस इज द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ एलएम पिसारन एंड शिन डब्ल्यू स्टैट ठीक है इसके बाद जनाब 10.5711 दिस इज द एडीएफ फिशर काई स्क्वायर टेस्ट स्टेटिस्टिक and 19.235 which is pp fisher chi square test statistic okay ji ab hum dekhte hain janab inki probability values ko ya p values ko so the p values of these test statistics are 0.3672 1.0000 1.0000 and 0.9957 theek hai ji acha ab All p values are bigger than 0.05. What does it tell us? It tells us that we cannot reject the H naught. That means the test is not significant. So when the test is not significant, it means that the panel data of LGEX has a unit root, and that means that. The LGEX panel data is not stationary. ठीक है जी ओके अब जब हमने अपने डेटा को जो है ठीक है वो लेवल पे चेक कर लिया ठीक है तो अब जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि अब हम अपने डेटा को जो है वो चेक करें फॉर स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी ठीक है एट द फर्स्ट डिफरेंस ठीक है In order to find the first differences of the two panel data, अब हमें अपने जो दोनों जो panel data हैं, L basically आपका GTP और GEX, LGTP और LGEX, ठीक है? इसे जो है वो हमें first difference में convert करना पड़ेगा, ठीक है? So we will need to generate another series, ठीक है? For both the panel data, okay? And this new series that will generate will be of at first difference, ठीक है? क्या करेंगे किस तरह जनरेट करेंगे तो वी विल गो टू क्विक इन एव्यू सॉफ्टवेयर वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन जनरेट सीरीज और इसके बाद हमारे सामने जो बॉक्स आएगा उस बॉक्स में पहले हमने जो इक्वेशन लिखनी है वो इक्वेशन लिखनी है डी एल जी डी पी डी का मतलब होता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू एल जी डी पी माइनस एल जी डी पी ब्रैकेट ओपन माइनस वन bracket close and then we shall click okay to ab jo nayi series generate hogi theek hai is lgdp ki ye wo series hogi ki jo ke data hoga at first difference okay so we shall do the similar kind of work for the next panel data that is lgex okay once again in the avio software we shall go to quick
Then we shall select the option generate series. And in the dialog box that will open, we shall write DLGEX is equals to LGEX minus LGEX bracket open minus one bracket close, and then we shall click OK. ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपने ये first difference, ठीक है, series generate कर ली, ठीक है, both for LGDP और LGEX, ठीक है, तो अब अपने next काम क्या करना है, जिस तरह से जो है वो हमने लेवल के डेटा पे आप पहले जो है वो आपने उसका ग्राफ जनरेट किया था, और ग्राफ जनरेट करने के बाद आपने यूनिट रूट टेस्ट किया था, ठीक है, टू फाइंड आउट के जी के ये जो हमारे पास डेटा है ये स्टेशनरी है या नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द डेटा, ठीक है, जो कि हमने अपनी दोनों पैरेलल डेटा के लिए दैट इज LGDP और LGEX के लिए जनरेट किया, ठीक है. तो अब ये जो पहला जो हम ग्राफ जनरेट करेंगे, ठीक है, वो हम जनरेट करेंगे जीडीपी के लिए, ठीक है. तो अब ये फिगर 11.5 जो है इसमें आपको ग्राफ नज़र आ रहा है कि जो कि आपने फर्स्ट डिफरेंस डेटा सेट ऑफ जीडीपी, ठीक है, जिसको जो है वो हम कह रहे हैं जनाब LGDP, ठीक है, LGDP का आपने फर्स्ट डिफरेंस डेटा जो है आपने लिया है, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, ठीक है. सो इफ वी want to interpret that what this graph is actually telling us, okay, so figure 11.5 presents the graph of the DLGDP, okay, we are basically difference kar lenge logarithmic conversion QES ke sabab ne. So if we look at the graph, the data seems to be stationary as the line of the series has crossed the zero line many times, okay, ye aap dekh sakte hain, theek hai, या जीरो जो है मिडिल में, ठीक है, ऊपर माइनस वैल्यूज, ठीक है, ऊपर कुछ वैल्यूज हैं, उसके बाद नीचे कुछ वैल्यूज, ठीक है. अब ये कह रहा है कि जो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ के में जो है ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जो है वो ये है कि आपका जो बेसिकली जो प्लॉट है, ठीक है, इट इज क्रॉसिंग द जीरो मैनी मैनी टाइम्स, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये है कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि डेटा जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है. इसकी फर्दर अगर आप एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो हमने जो डिस्कशन किया था कि जिसमें जो है वो हमने बात की थी कि जनाब जो फॉर एग्जाम्पल सीरीज जो है स्टेशनरी होती है, नॉन स्टेशनरी होती है, तो उस सूरत में जो हमने कहा था कि जनाब के मीन जो होता है और इसके बाद जो है जो कोवेरियंस होता है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है. सो इफ यू हैव सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट लुकिंग एट द प्लॉट दिस डेटा सीम्स टू बी स्टेशनरी, काइंडली वॉच दिस एक्सप्लेनेशन अगेन. However, in order to make sure the DLGDP panel data is stationary or not, we need to run a unit root test. ठीक है, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है कि जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है, कि प्लॉट जनरेट करने के बाद हम जो दूसरा काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने डेटा के ऊपर जो है वो यूनिट रूट टेस्ट जो है वो रन करते हैं, ठीक है. वंस अगेन, if you want to run the unit root test on your data, you will first need to open up the first difference data of the LGDP panel data. ठीक है, क्या करेंगे आप, you will open the DLGDP data. ये मैं आपको बात पहले भी explain कर चुका हूँ कि right now I am explaining to you all these steps and I am explaining to you the interpretation of different statistics that you will get, okay. Once I am done with all these steps and explaining the interpretation to you, then I shall go to the EBS software and then I shall run these steps, okay, so that you can watch how you can run these steps yourself, okay, using the data that I will be providing to you related to the LGDP and LGEX, okay, the gross domestic product and the governmental expenditure, okay. So in order to run the unit root test on the DLGDP data, we shall open the LGDP panel data. Once again, from the view, we shall choose unit root test and then we shall click OK. When we click OK, we shall see results similar to the one shown in figure 11.6. ठीक है जी? वंस अगेन, ये आप देख सकते हैं कि वही तमाम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के जो कि इससे पहले हमने
लेवल के डेटा पर रन करके ऑप्टेन की थी, उसी तरह के स्टेटिस्टिक जो है वो हमारे पास ये फर्स्ट डिफरेंट डेटा सेट में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब जनाब ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं, ठीक है, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं। चार टेस्ट हमने, ये चार यूनिट टू टेस्ट के जो मेथड होते हैं, ठीक है, उन चारों के स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आ गई हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज भी आ गई हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जो है आप देख सकते हैं कि सारी की सारी जो है वो 0.0002 है, ठीक है। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है। ओके जी, सो वंस अगेन टेस्ट, ठीक है, जो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है। The panel data of DLGDP has a unit root, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास alternative hypothesis है वो क्या है। The panel data of DLGDP is stationary. Alpha is equals to 5% or 0.025. That is कि हम जो significance check कर रहे हैं, वो significance check कर रहे हैं 0.05 level पे, या P is equals to 0.05 level पे। Output जो है वो हमें बता रही है चार test statistics, ठीक है, और इनकी वैल्यूज क्या है। -6.61669, -8.00521, 136.808 एंड 293.287, ठीक है। द पी वैल्यूज ऑफ दीज टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आर ऑल 0.0000। सो द प्रॉब और पी वैल्यू is equals to 0.000, which is less than 0.05. Therefore, we can say that we can reject the H naught. Rejecting H naught means that the panel data of LGDP do not have a unit root, and that implies that the panel data of DLGDP is stationary. ठीक है जी। इसके बाद जनाब हम मूव करते हैं और अब हम जाएंगे जनाब अपने सेकंड पैनल डेटा सेट के ऊपर, जो के है DLGEX, ठीक है। ओके, अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है, फिगर 11.7 प्रेजेंट दी DLGEX, ठीक है। ये हमने क्या किया है कि जो हमारे पास जो डिफरेंस था, फर्स्ट डिफरेंस डेटा रिलेटेड टू LGEX, ठीक है, उसका जो है वो हमने ग्राफ जो है ऑब्टेन किया, ठीक है। ये फिगर 11.7 जो है हमें ग्राफ दिखा रही है द फर्स्ट डिफरेंस डेटा ऑफ द पैनल डेटा ऑफ LGEX, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करना चाहें, ठीक है, सो फिगर 11.7 प्रेजेंट्स द DLGEX, ठीक है। The data seems to be stationary as a line of the series has crossed the zero line many times. ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हमने जो LGDP का डेटा था, ठीक है। So the data seems to be stationary as a line of the series has crossed the zero line many times. However, in order to make sure the DLGEX panel data, that is the first difference data series of the panel data LGEX is stationary or not, we need to run a unit root test. Okay, so kis tarah se karenge janab hum, once again we shall open the DLGEX data. From the view menu option we shall choose unit root test and then we shall click okay. Okay, that will provide us an output similar to output shown in figure 11.8, ठीक है। अब figure 11.8 में once again वही चार statistics जो हैं हमारे पास आ जाएंगी related to the DLGEX panel data, ठीक है। हमारा जो null hypothesis है वो क्या है, the panel data of DLGEX has a unit root. जो alternative hypothesis है वो है जनाब the panel data of DLGEX is stationary. And the alpha level or the probability level at which we are running the test is 5% or 0.05. The output shows four test statistics, -9.17355. ये सबसे पहली टॉप की टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है, लिवाइन लिन एंड चू टेस्ट स्टेटिस्टिक, ठीक है। Then -108147, 189.969 and 266.0
794, ठीक है. If you look at the p-values or the probability values of all these test statistics, we can see that all the p-values are 0.0000. Okay. Now, since the probability values are 0.0000, that means all values are less than 0.05. Therefore, we can reject H naught. That is, we can reject the null hypothesis that the panel data of DLGEX has a unit root. And that implies that the DLGEX panel data is stationary. ठीक है जी. अच्छा, अब जब हमने जो लेवल डेटा था और लेवल डेटा के बाद जो है वो फर्स्ट डिफरेंस डेटा है, दोनों के ऊपर जो है वो हमने इनफॉर्मल टेस्ट जो हमने रन कर लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हमने टेस्ट रन कर लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश के जी डेटा जो है वो लेवल पर स्टेशनरी है या डेटा जो है वो फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी, ठीक है. अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा जनाब, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा जनाब कि हम अपने जो ओरिजिनल डेटा है, ओरिजिनल डेटा का मतलब जो है वो ये है कि द डेटा एट द लेवल जिसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हम रन करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, दैट इज इसको हम कहते हैं जनाब ओएलएक्स रिग्रेशन, ठीक है. और रिग्रेशन रन करने के बाद जो हमारा जो दूसरा काम होगा, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले भी किया हुआ है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, वो हम ये करेंगे कि आफ्टर रनिंग दिस regression model by using the OLS method, we will save the residual by generating a variable call it ECM. याद रखिएगा कि हमने जब error correction model की हमने बात की थी, याद है error correction model का मतलब जो था वो ये था कि जब आपका जो data है, आपका data जो है वो लेवल पर जो है स्टेशनरी नहीं होता लेकिन फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी होता है, तो उस सूरत में जो है वो आपको ओएलएस रिग्रेशन और एरर करेक्शन मॉडल का ऑप्शन आपके पास होता है कि उसको आप रन कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट दी कोफिशिएंट्स, एस्टिमेट दी रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है जी. अच्छा, और वहाँ पर जो है वो हमने इस वेरिएबल को जो नाम दिया था वो नाम दिया था हमने एरर करेक्शन टर्म, ठीक है. इस बुक चैप्टर में या जो बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ इस बुक में उस वेरिएबल को वो नाम देते हैं ECM या एरर करेक्शन मॉडल, ठीक है. ये बात मैंने आपको पहले भी लेक्चर में एक्सप्लेन की थी और मैं आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तहसीन ने की जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, डॉक्टर तहसीन जो थे वो इसको रेफर कर रहे थे एज एरर करेक्शन टर्म, ठीक है. बुक जो रेफर कर रही है वो रेफर कर रही है एज एरर करेक्शन मॉडल और ECM. However, analysis के जो steps हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है, analysis बिल्कुल वैसे ही होगा कि जैसे डॉक्टर तहसीन ने भी जो है आपको शो किया था, ये जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो बुक के analysis steps में और डॉक्टर तहसीन ने जो आपको analysis steps परफॉर्म करके जो है अपनी वीडियोज में जो शो किए थे उसमें कोई फ़र्क नहीं है. फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डॉक्टर तहसीन ने अपनी वीडियो में इस residual variable को ECT या error correction term के नाम से शो किया है और बुक जो है वो इसी वेरिएबल को जिसको डॉक्टर तहसीन ने ECT कहा था, एरर करेक्शन टर्म कहा था, बुक उसी वेरिएबल को एरर करेक्शन मॉडल या ECM कहती है, ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. ओके, तो आफ्टर हैविंग द रिग्रेशन आउटपुट व्हाट वी शैल डू, वी शैल अगेन गो टू क्विक, देन वी शैल सेलेक्ट द ऑप्शन जनरेट सीरीज, और उसके बाद जो हमारे साथ जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें हम लिखेंगे ECM इज इक्वल्स टू RESID रिसेट, ठीक है. ये वही स्टेप है कि जो कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको एरर करेक्शन मॉडल के एनालिसिस के जो स्टेप्स दिखाए थे, ठीक है, उसमें हमने यही स्टेप जो है फॉलो किया था, तो वंस अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम स्टेप. नाउ व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू टाइप ECM इज इक्वल्स टू रिसेट in the dialog box and you click OK, so you will see the that there is going to be a new variable called ECM in your data set. Okay,
What you will do, you will double click on this ECM dataset, and then you shall generate a plot or a graph of this ECM. Okay, remember that this is a graph of the residual or the error term. Okay, ab jab aap graph generate karenge, it will be similar to the graph shown in here. Okay, ji, is tarah ka jo hai plot aapke samne aayega. ठीक है, ये जो है आपके पास एरर करेक्शन टर्म रेजिडुअल का जो है प्लॉट है. ठीक है, ओके, ये रिजल्ट, ये प्लॉट हमारे सामने आ गया. ओके, अब इस प्लॉट को अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे? सो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि बाय लुकिंग एट द प्लॉट वी कैन से दैट द डेटा सीम्स टू बी स्टेशनरी एज द लाइन ऑफ द सीरीज हैज क्रॉस द जीरो लाइन मैनी टाइम्स. ठीक है, तो अगर आप इस प्लॉट को आप गौर से देखें तो यस, बिल्कुल नजर आता है. ठीक है, अगर ये जीरो है, ठीक है, तो आपको जो डेटा है वो इस तरह से ऊपर नीचे जो है वो जा रहा है कि ये जीरो लाइन को जो है मल्टीपल टाइम्स क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि the data appears to be stationary. ठीक है, लेकिन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द ECM, दैट इज द रेजिडुअल डेटा सीरीज इज स्टेशनरी, वी विल नीड टू रन अ यूनिट टू टेस्ट. ठीक है, सो व्हाट, हाउ वी विल रन द यूनिट टू टेस्ट, वी शैल ओपन द ECM और द एरर करेक्शन टर्म और द रेजिडुअल डेटा सीरीज. ठीक है, फ्रॉम द व्यू ऑप्शन वी विल चूज यूनिट टू टेस्ट and when we click OK, it will provide us an output similar to figure 11.1. ठीक है, figure 11.1 का है जनाब, figure 11.1 आ गई ये आपके सामने. ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं. ठीक है, कि जो different जो tests हैं. ठीक है, अच्छा, अब ये इन्होंने यहाँ पे जो show किया है, ठीक है, ये इन्होंने जो different जो test है, ठीक है, उनको जो है वो आपने अलग अलग करके जो है उन्होंने दिखाया है. ठीक है, आई विल शो यू कि आप किस तरह से जो है वो टेस्ट को जो है वो सेपरेटली आप रन कर सकते हैं, सो दैट यू हैव द सेम काइंड ऑफ आउटपुट दैट द बुक चैप्टर इज शोइंग टू यू. ठीक है, बहरहाल ये हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट टू टेस्ट है, ठीक है, उनकी जो है वो स्टैटिस्टिक हमारे सामने आ गई है. ठीक है, एक हमारे पास टेस्ट की स्टैटिस्टिक वैल्यू है जो कि स्टैटिस्टिक के कॉलम में है. ठीक है, हमने इसको देखना होता है, और इसके बाद जो है ये प्रॉब है. ठीक है, प्रॉब के कॉलम में क्या वैल्यू आई है इसको हमने देखना होता है. ये प्रॉब या पी वैल्यू, ये एक ही चीज है. ओके जी, गोइंग बैक, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, अब इन रिजल्ट्स को हमने इंटरप्रेट करना है. ठीक है, ओके जी, तो अब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, द रेजिडुअल और द एरर करेक्शन टर्म और द एरर करेक्शन मॉडल. ठीक है, सेम थिंग. ठीक है, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो ये है कि द रेजिडुअल्स आर नॉट स्टेशनरी, और जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है द रेजिडुअल्स आर स्टेशनरी, और इसको हम जिस पी वैल्यू पे या जिस अल्फा वैल्यू पे चेक कर रहे हैं वो है 5% और 0.05. ओके जी, अच्छा, नाउ लुकिंग एट द वेरियस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एज शोन इन फिगर्स 11.12, फिगर 11.13, फिगर 11.14, फिगर 11.15 एंड फिगर 11.16. ये वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं जिनकी वो बात कर रहा है. ठीक है, अब जब इन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को आप देखते हैं तो हमें जो है वो ये नज़र आता है, ठीक है, कि 4 out of 6 प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज 6 टेस्ट आर स्मॉलर देन 0.05. ठीक है, as most of the p values are smaller than 0.05, we reject the null hypothesis. ठीक है, null hypothesis क्या है, the residuals are not stationary. तो जब आपने null hypothesis reject कर दिया तो इसका मतलब जो है वो ये है कि आप alternative hypothesis को accept करेंगे, और alternative hypothesis क्या है, the residuals are stationary. So we conclude that the ECM data or the residuals data series or the residuals panel data is stationary. ठीक है जी, अच्छा, अब इस टेस्ट को परफॉर्म हमने कर लिया, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद अब जो है वो हम मूव करते हैं. ठीक है, the co-integration test, ठीक है, that is the unit root test, showed the residuals are stationary. ठीक है, now what does that indicate to us? Okay, this indicates that there is a long
run relationship between the variables of this model. ठीक है, ये वही चीज है कि जो कि हमने अपने एरर करेक्शन मॉडल के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस जो है वो हमने की हुई है. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन गो बैक एंड यू कैन वॉच दिस लेक्चर अगेन. ओके, दैट व्हाई दीज रिजल्ट्स हेल्प अस कंक्लूड दैट देर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ दिस मॉडल. दिस रिजल्ट अलाउज अस टू रन अ पैनल एरर करेक्शन मॉडल. ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये हुआ कि जनाब कि अब हम इस पोजिशन में हैं कि हम एक एरर करेक्शन मॉडल जो है वो हम रन कर सकें. रिमेंबर, ये जो एरर करेक्शन मॉडल है, ठीक है, इट्स सिमिलर टू द ओएलएस रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि जनाब के हम जो है वो रिग्रेशन जो है वो स्टेशनरी जो है वो डेटा के ऊपर रन कर सकते हैं. अगर हम नॉन स्टेशनरी डेटा के ऊपर अगर हम रन करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो स्पूरियस होते हैं, रिलायबल नहीं होते. ठीक है, सो फॉर दिस ईसीएम मॉडल वी कैन नाउ रन थ्री पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल एज डिस्कस्ड अबव, मॉडल 3, 4, and 5. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि अब जो हमें जो ईसीएम मॉडल हम रन करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये मॉडल 3, 4, 5 की बात कर रहा है. ठीक है, जो पहला मॉडल नंबर 3 ये है पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन. ठीक है, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारा जो फोकस है यहाँ पे वो है जनाब पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन मॉडल. उसके बाद जो दूसरे जो दो मॉडल हैं वो दीज आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. ठीक है, सो वी शैल नॉट डिस्कस देम. ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, फॉर दिस ईसीएम मॉडल वी कैन नाउ रन द मॉडल 3 पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल. ठीक है, नॉट 4 and 5. ओके ओके जी, चलें अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जनाब के हम किस तरह से जो है वो इसको हम रन कर सकते हैं. ठीक है, ओके जी, सो द पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन. ओके, फॉर द पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन इन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म. LGDPIT इज इक्वल्स टू β1 + β2 LGEXIT प्लस एरर टर्म आई टी. ठीक है, सो इट इज एज्यूम्ड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेन ड्राइव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अदर वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी लेस इंपॉर्टेंट. ओके, वी हैव पुट टू सब स्क्रिप्ट ऑन द वेरिएबल्स, I representing the cross section unit and T the time. It is also assumed that the error term satisfies the usual classical assumptions. अब ये जो classical assumptions की बात हो रही है, ये classical assumptions हैं regression के. ठीक है, तो अभी तक ने हम जितने भी step perform किए हैं, ठीक है, तो ये जब error term को हम analyze करने के लिए जा रहे हैं तो हम ये चीज एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये जो हमारी एरर टर्म है, ये एरर टर्म का जो डेटा है वो स्टेशनरी है. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू रन द एरर करेक्शन मॉडल. अब एरर करेक्शन मॉडल को अगर हम मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहें तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, सो द एरर करेक्शन मॉडल और द एरर करेक्शन टर्म मॉडल वी आर गोइंग टू एस्टिमेट यूजिंग द पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन. उसकी क्वेश्चन जो है वो होगी जनाब DLGDPIT is equals to β1 + β2 DGPIT -1, that is difference of the lag, +β3 DGEXIT + β4 DGEXIT -1, that is the difference. ठीक है, +β5 ECMIT -1, that is the lag of the error correction model. ठीक है, इसको हम error correction model में बहुत detail में हम discuss कर चुके हैं. ठीक है, +error IT. ठीक है, all right now. अब हम देखते हैं जनाब के इस पूरे analysis को, यानी कि pooled OLS regression को हम EVUs को इस्तेमाल करते हुए कैसे run कर सकते हैं. ठीक है, so what we will do, we shall just go to क्विक ऑप्शन और इसके बाद जो हम चूज करेंगे ऑप्शन एस्टिमेट इक्वेशन का. और जब हम एस्टिमेट इक्वेशन जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उस डायलॉग बॉक्स में जो है वो हमें ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, DLGDP स्पेस कैपिटल सी और स्मॉल सी, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, देन स्पेस
then dl gdp bracket open minus 1 bracket close, ye lag aa gaya. dl gex ye actual variable aa gaya at the level. उसके बाद डी एल जी ई एक्स ब्रैकेट ओपन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ये आपका जो है वो लैग आ गया, डिफरेंस आ गया. एंड देन ई सी एम ब्रैकेट ओपन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, ये ई सी एम का लैग आ गया. ठीक है, ये इक्वेशन जब आप लिख लेंगे उसके बाद जो है वो आप ओके पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आउटपुट देखेंगे वैसी जैसे कि यहाँ पर फिगर 11.17 में दिखाई गई है. ठीक है, ये जनाब फिगर 11.17 पैनल लीस्ट स्क्वायर, ठीक है, ओवरलेस रिग्रेशन ऑफ दी डी एल जी पी डेटा. ठीक है, अच्छा जनाब, अब जनाब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो हमें क्या बता रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो रिजल्ट्स की जो एक्सप्लेनेशन बताई गई है आपको, इफ़ वी रन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वन बाई वन फॉर द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है, डी एल जी डी पी ब्रैकेट ओपन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज कॉमा डी एल जी ई एक्स कॉमा डी एल जी ई एक्स ब्रैकेट ओपन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज एंड ई सी एम ब्रैकेट ओपन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, इट कैन बी सीन दैट ऑल द कोफिशिएंट्स इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट एक्सेप्ट फॉर डी एल जी डी पी bracket open minus 1 bracket close are statistically significant since their probabilities are smaller than 0.05. ठीक है जी, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं. पहला जो है वो तो आपका जो है वो कॉन्स्टेंट है. ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका डी एल जी डी पी ये लैग है, फिर ये डी एल जी एक्स ये जो आपका एक्चुअल है, फिर डी एल जी एक्स फिर लैग और ई सी एम लैग, और ये इनके सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है, और एंड में ये जो प्रॉब का जो कॉलम है इसमें जो है ये इनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज गिवन है. ठीक है, और हमने जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को जो है वो चेक करना है, वही चेक करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है हर मतलब हर कोएफिशिएंट के अगेंस्ट जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है ये 0.05 से कम है या नहीं. अगर ये 0.05 से कम नहीं है तो इसका मतलब जो है वो ये है कि ये जो वेरिएबल है इसका जो कोएफिशिएंट है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पर वही बता रहा है हमको कि जो डी एल जी डी पी माइनस वन, ठीक है, ये जो टॉपर आपको नजर आ रहा है डी एल जी डी पी माइनस वन, ठीक है, इसकी जो प्रॉब वैल्यू है वो है 0.2348 विच इज स्मॉलर देन 0.05. ठीक है जी, तो अब इसको जो है अब हम इंटरप्रेट करते हैं फर्दर. सिंस द कोफिशिएंट ऑफ ई सी एम माइनस वन, ठीक है, यानी कि लैग वैल्यू ऑफ एरर करेक्शन टर्म और द लैग वैल्यू ऑफ द एरर करेक्शन मॉडल, ठीक है, ये देखें जी ये वेरिएबल आ गया ई सी एम माइनस वन और इसकी प्रॉबिलिटी वैल्यू क्या आई है 0.022 विच इज लेस देन 0.05. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ ई सी एम जो है वो नेगेटिव है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, इसकी वैल्यू है -0.013294 एंड इट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, सो वी कैन कंक्लूड दैट देर इज अ लॉन्ग रन रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स हैं नाम, ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है. ठीक है, एल जी डी पी, ठीक है, एंड एल जी एक्स. ओके, the r square of the model is very low. अच्छा जी, r square जो है कहाँ पर है, r square की वैल्यू जनाब यहाँ पे नजर आ रही है आपको. ठीक है, ये मैंने आपको कर्सर पे जब दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 0.0958. so the r square of the model is very low. अच्छा, remember कि r square जो है मैं बताता है कि जिन वेरिएबल्स को आपने अपने मॉडल में इंक्लूड किया है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वेरिएशन आ रही है उसका कितना परसेंटेज एक्सप्लेन कर सकते हैं. वंस अगेन, ये हमने बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ये हमने जब हमने रिग्रेशन मॉडल्स को हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हम कर चुके हैं. ठीक है, सारी वीडियोस और तमाम चीज़ें बड़े मौजूद हैं, सो यू कैन रिवाइज इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन. सो द एफ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी शोज द जॉइंट कोएफिशिएंट ऑफ द मॉडल इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट. The Durbin-Watson stat shows the model does not have serial correlation problem. ठीक है, तो that means के our model ये जो जो F statistics है, ठीक है, और इसके बाद जो हमारी Durbin-Watson statistics है वो ये बता रही है कि जनाब हमारे model में जो है वो कोई serious problem जो है वो नहीं है. ठीक है, तो serious problem नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वाहिद मसला है वो ये है कि जो हमारा जो हमारे मॉडल की जो एक्सप्लेनेटरी पावर है, ठीक है, जिसको जो जो हम बेसिकली गैदर करते हैं फ्रॉम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मॉडल का जितना हाई होता है इसका मतलब जो है वो ये है कि मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर
ठीक है, उतनी ज्यादा है. तो ओनली प्रॉब्लम विद अवर मॉडल इज दैट दैट द आर स्क्वायर ऑफ अवर मॉडल और द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ अवर मॉडल इज वेरी लो. बट बिसाइड्स दिस अवर मॉडल डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम. इट डज नॉट वायलेट द एजम्पशन ऑफ क्लासिकल रिग्रेशन. ठीक है. So, this is how you are going to perform the pooled OLS regression on the panel data. And remember, the pooled OLS regression is one of the analysis that you can run on the panel data. Okay, the next two model, we are not going to cover them. These are beyond the scope of our discussion. Okay. अब जो है वो यहाँ पे जनाब, अब आपने तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो देख ली. ठीक है, कि किस स्टेप्स जो है वो किस तरह से जो है परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट काम करूँगा वो ये काम करूँगा कि मैं आपको एक एक करके ये जो तमाम स्टेप्स हैं, ठीक है, ये स्टेप्स जो है मैं आपको ई व्यूज़ में जो है रन करके दिखाता हूँ. ठीक है, अब आई विल बी जस्ट शोइंग द स्टेप्स. ठीक है, आई विल बी एक्चुअली टॉकिंग लेस. सो You just watch how I perform all these steps, okay? And this ke baad abhi lecture aapka end ho jayega. The lecture end hone ke baad jo hai, now it will be up to you ki aap kitni zyada jo hai woh cheezon ki practice karte hain, kyunki jitni zyada jo hai practice karenge utni hi zyada jo hai woh aapka jo comprehension hai, jo understanding level hai, woh increase hoga. Theek hai. So now I am going to switch to the AVU software and I am going to perform the various steps that I have explained to you. Theek hai. This is the first we are going to open the data file. Okay. Share karunga. So this is the file, panel data analysis data sets. Open it. Click next. Click next. Then click next. Then click finish. Then in the next link, imported series and alpha objects to external source. Click no. Theek hai ji, ab ye aa gaya hamare paas. Ye hamare paas data aa gaya. अब जो हमारे पास सबसे पहला काम जो है करना है वो ये करना है कि हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जनाब पहले हमको जो है वो एक इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी छोटी सी. ठीक है, उसके हम पहले इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, इक्वेशन बना के मैं भी आपको शो करता हूँ. ठीक, सो जनाब ये हमने इक्वेशन बना ली है. अब हमने करना जो है वो क्या है, हमने करना जो है वो ये है कि वी विल गो टू क्विक एंड सेलेक्ट जनरेट सीरीज. ठीक है, ओपन अप क्विक एंड देन यूनिट सीरीज. तो पहला हमने लिखना है एल जी डी बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी डी बी. ठीक है, अब हम ये क्लिक किया हमने, आप देखेंगे कि जनाब के एल जी डी बी के नाम से एक सीरीज जनरेट हो गई. ठीक है, जो दूसरा हमने जो है काम करना है वही काम जो है हमने करना है एल जी ई एक्स सीरीज के लिए. ठीक है, तो दोबारा आप जाएंगे जनाब क्विक के ऑप्शन में, दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे जनरेट सीरीज. ठीक है, और अब हम जो है वो बजाय जी डी पी लिखने के हम लिखेंगे GEX, और सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे GEX. ठीक है, वी शैल क्लिक ओके. और जनाब अब हमने देखा कि ये LGEX की सीरीज भी अब आपके सामने जनरेट हो चुकी है. ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं. आगे चलने के बाद जो है अब पहला काम क्या है, पहला काम जो है वो ये है कि जो LGDP का जो हमने डेटा सेट जनरेट किया है, ठीक है, उसका जो है वो हम प्लॉट जो है वो हम जनरेट करें. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं. ठीक है, एल जी टी पी को हमने सेलेक्ट किया, एल जी टी पी के डेटा को हमने ओपन कर लिया. ठीक है, ये हमारे सामने एल जी टी पी का डेटा ओपन हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे व्यू, और व्यू को हम कहेंगे ग्राफ. ठीक है, तो ग्राफ के बटन पर क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे हम जाएंगे जनाब ग्राफ एलिमेंट्स पे. ठीक है, ग्राफ एलिमेंट्स के बाद जो है वो जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इन ऑप्शन को हमने बाई डिफॉल्ट में एज़ इज़ लेना है. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज देम. ठीक है, यू क्लिक ओके एंड हेयर इज़ द ग्राफ. ठीक है, वंस अगेन आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जीरो से क्रॉस करने वाली जो बात है, तो जीरो लाइन से मल्टीपल टाइम्स जो है वो लाइन आपकी क्रॉस कर रही है. इसका मतलब जो है वो ये है कि इट द डेटा अपीयर्स टू बी स्टेशनरी. ठीक है, लेकिन हमें जो काम करना होगा वो क्या काम करना होगा, वी विल स्टिल नीड टू चेक द स्टेशनरिटी ऑफ द सीरीज बाई यूजिंग द यूनिट ट्रूथ टेस्ट. अब यूनिट ट्रूथ टेस्ट कैसे रन करेंगे, यूनिट ट्रूथ टेस्ट रन करने के लिए वाइल दी एल जी डी बी डेटा जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है. ठीक है, तो ये बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में जो है मैंने क्या करना है, मैंने करना है व्यू. ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने क्लिक करना है
यूनिट टू टेस्ट, ठीक है। यूनिट टू टेस्ट में मेरे सामने ये स्क्रीन आएगी, ठीक है। जस्ट टेक ऑल दी डिफॉल्ट ऑप्शंस एंड देन क्लिक ओके। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे जनाब, तो ये आपके पास जो है रिजल्ट आ जाएंगे यूनिट टू टेस्ट के, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट टू टेस्ट में ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जो मेजॉरिटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो टेस्ट स्ट्रेस की जो मेजॉरिटी वैल्यूज़ हैं, उनकी जो पी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। ये वही स्टेप है कि जो कि मैं आपको इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू रीट्रेड और रिपीट ऑल द स्टफ दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। ओके जनाब, फिर अब हम मूव करते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया था एल जी डी पी के डेटा के, ठीक है। अब जो है वो हम आगे चलेंगे और अब हम इन्हीं चीज़ों को जो है परफॉर्म करेंगे फॉर एल जी ई एक्स डेटा, ठीक है। इसे बंद करते हैं और इसके बाद जो है हम इसको ओपन करते हैं एल जी ई एक्स, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे जिस जी सीरीज के ऊपर, तो वो उसकी ये उसका डेटा ओपन कर देगा। इसके बाद जना वंस अगेन वी शैल गो टू व्यू एंड देन वी शैल क्लिक ऑन ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ पे क्लिक करेंगे, ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे ग्राफ एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एंड देन यू विल क्लिक ओके, व्हेन यू क्लिक ओके यू विल सी अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। वंस यू जनरेट द ग्राफ यू कैन मैच द ग्राफ विद द ग्राफ जनरेटेड or the shown in the book chapter, ठीक है। I have already seen that, I'm just showing you the step, ठीक है। These are the same things. जब आपने graph generate कर लिया LGEX का, तो जो second step होता है कि आपने अपने इस data के ऊपर unit root test run करना होता है। तो unit root test run करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे view के option पे and you will click unit root test। जो option के पास आएंगे, आपने once again default option select करना है and you will click OK and you will get the summary of the unit root test on the LGEX data, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने जब unit root test run कर लिया आपने, ठीक है, अब उसके बाद जो है आपने क्या करना है जनाब, आपने ये LGEX final data भी कर लिया, unit root test आपने कर लिया, अब जो next काम है वो क्या है, ये तो level के data की बात हो गई ना, अब हमने जो है वो first difference series generate करनी है अपने data की, ठीक है। That is the, we are going to generate the first difference data sets of our LGTP model and the LGEX panel data, ठीक है। तो उसके लिए जब आपको एक छोटी सी इक्वेशन जो है वो हमें जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी इक्वेशन मैं बनाता हूँ, उसके बाद वो इक्वेशन मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। LGTP minus तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम दोबारा जाएंगे क्विक और उसके बाद हम क्लिक करेंगे जनरेट सीरीज, ठीक है। अच्छा, चलेंगे क्विक एंड देन जनरेट सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे आप, बी एल जी डी पी इज इक्वल टू एल जी डी पी माइनस एल जी डी पी माइनस वन, ठीक है। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे अब आपके पास एक और सीरीज जो है जनरेट हो गई है डी एल जी डी पी के नाम से, ठीक है। नाउ यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर द एल जी ई एक्स पैनल डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे लिखा था एल जी डी पी, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एल जी एक्स और जी डी पी को यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे एल जी एक्स से, ठीक है, और यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे एल जी एक्स से। तो ये बन जाएगा डी एल जी ई एक्स इज इक्वल टू LGEX minus LGEX bracket open minus one bracket close, ठीक है। अब इसको हमने क्लिक किया, अब आपने देखा जनाब यहाँ पर हमारे पास LGEX का जो डेटा है वो भी जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, चले अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो है वो करना है कि वही काम के जो कि हमने लेवल के डेटा पे परफॉर्म किया था, वही अब हम फर्स्ट डिफरेंस के डेटा पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो अब हम ओपन करेंगे आपका लेवल अगर डी एल जी डी पी का डेटा, ठीक है। ये हमारे पास डी एल जी डी पी का डेटा जनरेट हो गया, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इसका हमने प्लॉट जनरेट करना है, ठीक है। व्यू ग्राफ, और ग्राफ पे क्लिक करने के बाद जो है जनाब हम ग्राफ एलिमेंट्स पे गए और यहाँ पे हमने क्लिक किया ओके, तो ये हमारे पास डी एल जी डी पी का ग्राफ जनरेट हो गया, ठीक है। अब ग्राफ जनरेट होने के बाद जो सेकंड स्टेप हमें परफॉर्म करना होता है वो क्या परफॉर्म करना होता है, हमें यूनिट रूट टेस्ट रन करना होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास डी एल जी डी पी का डेटा ओपन है, अब हम दोबारा व्यू पे क्लिक करेंगे और हम जाएंगे यूनिट रूट टेस्ट। इसके बाद ये हमारे पास डिफॉल्ट ऑप्शन है, इनको हमने एज इट इज सेलेक्ट करना है, वी शैल क्लिक ओके
और ये आपके पास जो है यूनिट टू टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आ जाएगी फॉर दी DLGDP पैनल डेटा, ठीक है जी। अच्छा, इसको करने के बाद जो है जनाब अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड पैनल डेटा सीरीज DLGEX, ठीक है। ये मैंने DLGEX पर डबल क्लिक किया और ये मेरे पास जो है डेटा सीरीज ओपन हो गई, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया जनाब व्यू पे और दोबारा मैंने इसका ग्राफ जनरेट करना है, ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप यही है, ग्राफ जनरेट करके देखना पड़ता है जनाब। ग्राफ एलिमेंट्स पर मैंने क्लिक किया, ओके किया, ये मेरे पास जनाब DLGEX का प्लॉट जनरेट हो गया, सही है। अब प्लॉट जनरेट होने के बाद सेकंड स्टेप क्या है जनाब? सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आप व्यू पे क्लिक करें और आप यूनिट रूट टेस्ट रन करें, ठीक है। टेक द डिफॉल्ट ऑप्शन, क्लिक ओके, और ये जनाब आपके पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जनरेट हो गई फॉर द यूनिट रूट टेस्ट ऑन द पैनल डेटा सेट ऑफ DLGEX, दैट इज द डिफरेंस, सही है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने काम का करना है जनाब, ये तो हमारा हमने चेक कर लिया, ठीक है, हमें पता चल गया, राइट। अब जो हमने काम करना है वो ये करना है जनाब कि हमने ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जनाब कि वी शैल मूव टू दी OLS रिग्रेशन, और OLS रिग्रेशन जो हम रन करेंगे वो हम रिग्रेशन करेंगे जनाब अपने लेवल के डेटा के ऊपर, डिफरेंस के डेटा के ऊपर रन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब आपने लेवल पे रन नहीं करना, आपने सॉरी डिफरेंस पर रन नहीं करना, आपने लेवल के डेटा पे रन करना है, तो इसको जब हम बंद करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जनाब जाएंगे क्विक, ठीक है, और क्विक पे जाने के बाद हम करेंगे एस्टिमेट इक्वेशन, ठीक है। एस्टिमेट इक्वेशन पे आप जाएंगे तो अब आप ये इक्वेशन टाइप करेंगे, ठीक है, GDP, ठीक है, स्पेस C, दैट इज कॉन्स्टेंट, एंड देन GEX, ठीक है, सॉरी LGDP C एंड देन LGEX, ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल डेटा के ऊपर तो जाहिर है मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल डेटा पे हम रन नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू विल राइट, LGDP C इज बेसिकली कॉन्स्टेंट LGEX, ठीक है, क्लिक ओके, ठीक है। तो ये अब आपके पास जो है ये आ गया जनाब OLS रिग्रेशन, ठीक है, OLS रिग्रेशन आपके पास आ गई है। तो इसमें जो है हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो वाहिद हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर GEX, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो है 0.0000, इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है, ठीक है। अच्छा, अब इस काम को करने के बाद जो हमारा वाला दूसरा काम है, ठीक है, वो काम क्या है जनाब? अब हमने एरर करेक्शन मॉडल के रन करना है और इसके लिए हमें जो रेजिड्यूल्स हैं या जो एरर टर्म है उसकी सीरीज जनरेट करनी होगी। इसको करने के लिए जनाब हमने क्या स्टेप लेना होता था? वो स्टेप हमने लेना है जनाब के लेट मी शो इट टू यू, हम एक नया जो है वेरिएबल जनरेट करेंगे, ठीक है, एक नई सीरीज जनरेट करेंगे जिसको हम नाम देंगे ECM का, जिसको हम ECT भी कह सकते हैं, और ये जो सीरीज होगी इसमें जो है वो आपके जो रेजिड्यूल्स हैं या जो एरर टर्म्स हैं वो जो है वो शामिल होंगे, ठीक है। तो जनाब हम जाएंगे जनाब क्विक, इसके बाद हम कहेंगे जनरेट सीरीज, और यहाँ पे जो है डायलॉग बॉक्स में लिखेंगे ECM इज इक्वल्स टू रेजिड, ठीक है। जब हम ये लिख के क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि जनाब यहाँ पर ECM का एक नया डेटा सीरीज जो है वो जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब इस डेटा सीरीज को जनरेट करने के बाद आपने जो काम करना है, आपने काम वही करना है कि जो कि आप हर बेसिकली टाइम सीरीज के साथ या पैनल डेटा के साथ कर चुके हैं कि जनाब ये जो नई सीरीज या जो नया पैनल डेटा में जनरेट किया है फॉर द एरर टर्म, ठीक है, इसको जो है आपने चेक करना है कि ये जो है ये स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। याद रहे कि ये सारे के सारे जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं ये एरर करेक्शन मॉडल के स्टेप्स हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जनाब के जब हम मॉडल को एनालाइज करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो किस किस जगह पे फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड यू विल हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। इसके बाद जनाब हमने अब करना जो है वो ये है, यस, अब हमने ECM का डेटा सीरीज ओपन कर ली, ठीक है। सबसे पहले व्यू ग्राफ जी, तो जनाब अब हम जो है वो ओके पे क्लिक करेंगे वंस अगेन, ये अब हमारे पास जो है वो एरर करेक्शन टर्म या एरर करेक्शन मॉडल का जो है प्लॉट आ गया, ठीक है। इसको भी अब हमने चेक करना है कि जनाब के ये
मॉडल का पर्पस, प्लॉट का पर्पस वंस अगेन कि सीरीज जो है स्टेशनरी है या नहीं है, ठीक है। तो अपेरेंटली जीरो से जो है वो लाइन बहुत ज़्यादा क्रॉस हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सीम्स टू बी स्टेशनरी, ठीक है। लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल रन द यूनिट रूट टेस्ट। तो व्यू एंड देन यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। और ये डिफॉल्ट ऑप्शन लिए हमने, और ये हमारे पास जनाब ये ई सी एम सीरीज जो है उसका यूनिट रूट टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स आ गई, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। राइट नाउ आई एम जस्ट शोइंग यू दी डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो इन्होंने यहाँ पे यूनिट रूट टेस्ट रन किया है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपके पास जो है वो मल्टीपल जो है वो उन्होंने जो है आपको दिखाई है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक ही बॉक्स के अंदर जो है वो ये चारों चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू जनरेट द यूनिट टू टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअली एज शोन इन द बुक चैप्टर, ओके, व्हाट यू कैन डू इज दैट आप व्यू में जाएंगे, ठीक है, यूनिट टू टेस्ट। इसके बाद जो है ये टेस्ट टाइप जो है ये समरी के बजाय जो है फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये 1 2 3 4, ठीक है, ये मल्टीपल टेस्ट जो है वो जो यहाँ पे मैंशन किए हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू कैन सेलेक्ट द लिव इन लर्न एंड च्यू, ठीक है, क्लिक ओके करें, ठीक है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये लिव इन लर्न एंड च्यू टेस्ट स्टेटिस्टिक्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यू कैन वंस अगेन क्लिक ऑन यूनिट टू टेस्ट, ठीक है, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द सेकेंड वन, ठीक है, बॉटलिंग टेस्ट, ठीक है, या आपके पास जो है वो सेकंड टेस्ट स्टेटस जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन रिपीट द स्टेप ओवर एंड ओवर अगेन टू जनरेट द यूनिट टू टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इंडिविजुअली, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप जो है वो सिंपली यूनिट टू टेस्ट को समरी फॉर्म में भी आप रन कर सकते हैं। जब आप समरी फॉर्म में रन करेंगे तो वो आपको तमाम के तमाम जो यूनिट टू टेस्ट है उनकी स्टेटिस्टिक्स जो है वो आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप्स लेकर के दिखाया, क्योंकि बुक में जो है उन्होंने जो यूनिट टू टेस्ट है, तो जब उन्होंने ई सी एम पैनल डेटा को जो एनालाइज किया तो वहाँ पर उन्होंने यूनिट टू टेस्ट जो है वो इंडिविजुअली रन किए हैं, ठीक है। सो देर इज़ नो इशू इफ़ यू रन दीज टेस्ट इंडिविजुअली और यू रन देम वन बाई वन, ठीक है। ओके जी, अब आ जाए जनाब, अब आपने पैनल ई सी एम मॉडल, ठीक है, उसको जो है वो आपने रन करना है या उसको जो है आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे जनाब उसको, ठीक है। पूल्ड ओ एल एस रिग्रेशन मॉडल जब आप रन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एरर करेक्शन मॉडल आप रन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, किस तरह से रन करेंगे उसको, ठीक है। लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू, ओके। To develop an equation for that, okay, similar to the kind of equation that we have used in error correction model earlier, okay. So, अब हमने क्या करना है? अब हमने करना जो है वो ये है कि अब हमने old OLS regression run करने के लिए अपने spinal data के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो conclusion हुआ है वो ये हुआ है कि it is going to be an error correction model that we are going to run. क्योंकि हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा जो है वो लेवल पर जो है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि फर्स्ट डिफरेंस पर स्टेशनरी है। सो वी विल गो टू, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, विल गो टू क्विक एस्टिमेट इक्वेशन, ठीक, एंड दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गोइंग टू राइट, ठीक है। सो डी एल जी डी पी कॉन्स्टेंट, देन डी एल जी डी पी माइनस वन दैट इज लैग, देन डी एल जी एक्स, देन डी एल जी एक्स माइनस वन दैट इज लैग, एंड देन एरर करेक्शन मॉडल माइनस वन दैट इज एरर करेक्शन टर्म का लैग, ठीक है, ओके करें, देख लेना। ये अब आपके सामने जो है वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देखें तो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपके पास जो है ये जो डी एल जी डी पी का जो लैग है, ठीक है, ये लैग जो है ये आपके पास इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है। इसका मतलब जो है वो ये कि जो वेरिएबल है ये वेरिएबल जो है ये आपका सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन एरर करेक्शन मॉडल जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 0.0229 है, जो कि सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है,
इस मॉडल में जो, जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, जो वाहिद कंसर्न है हमारा, वाहिद कंसर्न जो है वो यह है कि जो इसकी एक्सप्लेनेटरी पावर है वो लो है, क्योंकि जो आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो आ रही है, वो आ रही है 0.0958। अदर देन दैट देर आर नो मेजर स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम विद दिस मॉडल। ठीक है जी, सो दीज वर ऑल द स्टेप्स दैट यू कैन परफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन वेरी डिटेल। ठीक है कि जनाब ये स्टेप्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हर स्टेप पे जो आपके सामने आउटपुट आती है, उस आउटपुट को जो है आपके सामने से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो कितनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करते हैं। रिमेंबर, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जो है वो गो थ्रू करेंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, सो लेट मी क्लोज दी व्यूज फॉर यू। ओके, एंड गोइंग बैक हियर। जी हो गए जी, तमाम लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों में से कई लोग जो थे उन्होंने जो है हमको जो है वो लेट ज्वाइन किया है, इसके अलावा बीच बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट भी जो है वो होते रहे। ठीक है, तो आई होप कि मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है वो यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस, एंड बाकी जितने लोगों ने जो है बाद में ज्वाइन किया है, दे विल हैव टू एक्चुअली लिसन टू द होल लेक्चर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज इवन इफ दे हैव सम क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इफ दे गो बैक एंड रेफर टू द लेक्चर। ठीक है।